ऐसे पद बताया, सवेरे उठते ही है ना, सवेरे खाना बना रहे हो, माता है भाई, खेती में जाते हो, रास्ते पर जाते हो, घूमने जाते हो, वॉकिंग करने जाते हो, बिजनेस में जाओ, हाँ अभी घर से इधर तक आए, रास्ते पर कितने लोगों को देखा, कौन थे वो? कोई रावण के बच्चे थे? नहीं, सब भगवान के बच्चे थे, है ना। इतना आपको रखना, किसी को शिव बाबा ये आपके बच्चे हैं, देखो कैसे चलते हैं, कितना गरीब है ये, कितना सुंदर है ये, कितना काला है ये, कितना लंगड़ा है, किसकी रचना है ये? तेरी रचना है, आप इनको सबको सुख दे दो, इनका कल्याण करो। भक्ति में आपने देखा कोई साधु हाथ में माला लेके जाता है ना, ओम नमः शिवाय, राम 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 करते जाता है, हाथ माला भी घूम रहे मुंह में राम जाएगा, रास्ते पर चलेगा भी, ये भक्ति है। ज्ञान में आप रास्ते पर चल रहे हो, माला हाथ में नहीं, मन में, मन में किसी को देखते ही शुभ बाबा ये आपकी रचना है, ये आपके बच्चे हैं, इनको सुखी बनाओ, इनका कल्याण करो। दोनों में भक्ति और ज्ञान में अंतर बता रहा हूं, मंदिर में क्या और इधर क्या, दोनों मंदिर है, दोनों में डिफरेंस क्या है पता होना चाहिए, वहां क्या मिल रहा है यहां क्या मिल रहा है। अब इस पर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बताओ, किसी के पास प्रश्न है? क्यों, ज्ञान सुनने के लिए अच्छा है, आपके मन का भी आवाज सुनना चाहिए ना, अब बताओ। हाँ, तब आपको नहीं, आपके पास नहीं, आप पिताजी के जेब में हाथ डालो ना, आपको कहा शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, मेरे पास तो शुभ भावना नहीं, आप इनको दे दो, कहा सिखाया शुभ भावना देने की विधि, इनको देखते ही शुभ बाबा याद आया, मेरे हाथ में कुछ नहीं, शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, मुझे दे दो, मांगना नहीं, मुझे दे दो मांगना ठीक नहीं, इनको दे दो, ये दुआएं देना, ये शुभ भावना, ये हो सकता है ना, आपके पास तो नहीं है। हाँ, किसी को भी, कोई भी, तुम आपका पिताजी नहीं हो, वो शुभ बाबा के बच्चे है, सामने जरूरत नहीं है, आप इधर बैठे हो, अभी देखो आप यहाँ से लंदन में फोन करना चाहते हो, इधर से घर में फोन करना चाहते हो, वो दिखाई देते हैं नहीं, फोन नंबर घुमाया आवाज चला गया, यहाँ भी आराम से बैठे हो रास्ते पर, इधर से कहीं भी कोई भाई है, बैठते सवेरे बैठो, कभी भी चलते फिरते स्नान करते रास्ते पर जाते याद आया, अरे हमारे माता जी कहाँ है, वो तो गाँव में है, शुभ बाबा वो मेरी माता जी नहीं, वो आपकी बच्ची है, उस माता को आप आत्मा को सदा सुखी बनाओ, उनका कल्याण करो, शुभ बाबा हमारे पिताजी बीमार है, वो आप सबको सुख देते हो, तो हमारे भी आपके बीमारी आपने ठीक करना चाहिए, है ना, तो डॉक्टर को आप बताएंगे ना, ये हमारी माता जी है, ये मेरा पिताजी है, डॉक्टर साहब इनको अच्छी दवाई दे दो, डॉक्टर को बताएंगे ना, आपके पास तो दवाई नहीं ना, समझ में आया? ऐसे कहीं भी रहो, जब भी गाड़ी में जा रहे हो आप, खाना खा रहे हो, घर में काम कर रहे हो, कभी किसी की याद आ गई, आज को और जाने माता जी की याद आई, पिताजी की याद आई, कोई भाई की याद आई, आपके बहन बीमार है, कोई स्कूल में और कुछ है, तो शुभ बाबा वो तो आपके बच्चे हैं, उनका कल्याण कौन करेगा? आप कहते हो मैं सबको सुख देता हूँ, सुखदाता का आपका नाम, तो उसको याद दिलाना पड़ेगा ना, डॉक्टर को कहना पड़ेगा ना, आप सबकी बीमारी ठीक करते हो, या मेरे भाई की बीमारी ठीक करो, मेरे पिताजी की बीमारी, ये तरीका है सब दुआ देने का तरीका, ये तो भी संकल्प ना, जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, इमेज नहीं करना है, किसी को सामने लाना नहीं, वो शरीर को देख रहे हैं आप, आत्मा को दे रहे हो, नाम की नहीं, शिव बाबा आपका बच्चा है, आपका पिताजी हो, भाई हो, दोस्त हो, आपका पति हो, आपका दादा हो, इवन शरीर छोड़ के भी गया है, शिव बाबा वो आपका बच्चा था, शरीर छोड़ के गया, कहाँ गया पता नहीं है, आप उनको मुक्ति मिली कि नहीं पता नहीं है, पितृ कहते हैं, उनका भी कल्याण करो, है ना, ऐसे समझ में आया और